जयकारा श्री राम नवमी दा उत्सव के दरबार के। आइए आपको वो पुराने समय में ले चले जब माँ के जागरण कुछ और तरीके से हुआ करते थे, उसी तरह का कुछ माहौल कोशिश करूंगा मैं। आइए मिलकर माँ के चरणों में कुछ कहें, माँ से कुछ बात करें, क्योंकि नाच तो हम हर रोज रहे हैं। आज माँ के चरणों में बैठकर माँ का ध्यान लगाकर माँ से कुछ बात करें, माँ से कहें क्या। और ये भजन ऐसा है, इस भजन में मैं कोशिश करूंगा कि जितने भी यहाँ देवी देवता विराजमान है सभी की दो दो लाइन में आपको मैं जरूर सुनाऊंगा। इस बस सिर्फ आपका साथ, कितना ताली का और जितना समझ आए मेरे साथ अपनी जीवा को पवित्र जरूर कर। कहिए जय माता की। एक बार और कह दो जय माता की। सच्चे दरबार खड़ताला मां तेरे पवन दे अगे तेरे पवन दे अके मां तेरे दरबार के आगे आज इतनी भीड़ लगी और तेरे नाम के भजन हो रहे हैं। किस तरह से कह रहे हैं, आइए मिलकर बैठे बैठे ताली के साथ। घड़ताला मां तेरे पवन दे अके, घड़ताला मां तेरे पवन दे अके, पर तेरे पवन दे
उसके बाद आदरणीय स्वर्गीय श्री नरेंद्र चंचल जी जिन्हें की ध्यानु भगत की पदवी मिली, माँ के परम सेवक, उनका गाया हुआ भजन क्या कह रहे हैं वो, भवन से मैं रहना पाई, आया भुला
अपने पति संग चढ़ के चढ़ाए नंगे पांव आए आया बुलावा नचे मैं नहरावाई अपने पति संग चढ़ के चढ़ाए नंगे पांव आए बुलाल चिकरी चढ़ाओ दर्शन को हर साल सदा सुहाग नहीं आओ दर्शन को हर साल सदा सुहाग बेनती कर रही है कि माँ जिस तरह तेरी ये पावन जोर अखंड है माँ मुझे भी ऐसा वरदान दे दे कि जब तक मैं इस धरती पर रहूं मेरा पति हर समय मेरे संग रहे और क्या कह रही है किस तरह से कह रही है ताली की सेवा करते रहे है अखंड जोत वाली मैया मेरा भी अखंड सुहाग रहे मेरा भी अखंड सुहाग रहे मेरा भी अखंड सुहाग सिंदूर भरी मेरी मांग रहे सिंदूर भरी मेरी मांग रहे सिंदूर भरी मेरी मांग रहे ओ महके परिवार बना
रूप बना के आया वे कबरूवा Thank you.
चाय पीती थे तो हम इसीलिए कह रहे थे कि चाय अभी मत दो, थोड़ी देर बैठ जाओ, थोड़ी देर बाद चले जाते, कोई बात नहीं, जो देखो जो जा रहे हैं उनको बुला लो, वजह बता दो कि जो जा रहे हैं उनको एक चीज समझाओ, अगर यहाँ बैठ गए ना तो जिंदगी में किसी के आगे बैठने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अगर यहाँ समझ के चले गए तो सारी जगह बैठ गए, मरती है तुम्हारी, एक कमरा हो जिसमें तुम्हारा आज माता नजर रहे, I'm not afraid of the dark.
जब प्रभु अगर सीता मैया मिल गई तो मुझे पहचानेंगे कैसे? तो प्रभु राम ने अपनी मुद्रिका दी कि तुम ये मुद्रिका सीता को दिखा देना, तो पहचान जाएंगे कि तुम मेरे दूर हो।
इतना बता दे मुझे, इतना
सीधा सीधा तैयार